गुड इवनिंग एंड वेलकम। फिर से स्वागत है एक और टॉपिक में आपका। जैसे कि आज आपकी चर्चा, आपको पता है कि इस समय हम नवलोक प्रबंधन के विकल्पों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें मेन चीज़ क्या है कि पिछले 2-3 सालों के या 10 सालों के अगर आप यूपीएससी के मेंस के पवैट के पेपर 1 का विश्लेषण करें तो कुछ क्वेश्चन 25-30% क्वेश्चन एमर्जिंग कंसेप्ट पर ही आ रहे हैं, उभरती संकल्पनाओं पर आ रहे हैं। और ये क्वेश्चंस बड़े स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के होते हैं, मतलब जो लड़का इनको सॉल्व कर ले, जो बच्चा जो भी कैंडिडेट इनको सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक्स को, अच्छे मार्क्स उठा रहा है। बट समस्या ये है कि इनमें विशेषकर हिंदी मीडियम में प्रोसेस्ड मटेरियल, नेट पे तो बहुत सारा है लेकिन उसको प्रोसेस्ड करना, काम का निकाल के ढूंढना, ये एक बड़ा चैलेंज है। विशेषकर जब आप मेंस में अपेयर हो रहे हो तो आपके पास उतना टाइम होता नहीं है। तो इसलिए जो मेंस में अपेयर हो रहे हैं लोग, उन लोगों की सुविधा के लिए मैंने बहुत सारे नए पॉइंट्स जो कि आ सकते हैं या मेंशन किए जा सकते हैं हमारे आंसर्स में, वो मैंने आपको दिए हैं। इस क्रम में मैंने आपको डिजिटल गवर्नेंस का जानकारी दे दी है, एक मॉडल के रूप में उभरा है एनपीएम के। इसी तरह न्यू बेवेरियन स्टेट लॉरेंस ई लेनन साहब का जो भी एक और मॉडल के रूप में उभरा है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू पब्लिक गवर्नेंस मॉडल। तो न्यू पब्लिक गवर्नेंस मॉडल जो दिया है वो स्टीफन पी ओसबर्न साहब ने दिया, और ये सब एक ही साथ लगभग लगभग आए हैं मॉडल, अलग अलग विद्वानों को विचार हैं ये। तो न्यू पब्लिक गवर्नेंस मॉडल जो दिया है वो आपका स्टीफन पी ओसबर्न साहब ने 2010 में दिया है। और इसमें है कि टाइटल है इनकी बुक का, द न्यू पब्लिक गवर्नेंस एमर्जिंग परस्पेक्टिव ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक गवर्नेंस। ठीक है, द न्यू पब्लिक गवर्नेंस एमर्जिंग परस्पेक्टिव ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक गवर्नेंस। ठीक है, तो न्यू पब्लिक गवर्नेंस मॉडल पर और भी लोगों ने लिखा है। इसमें लिखा है रेगुलटाइजिंग प्रोसेस एंड द बाउंड्रीज ऑफ द न्यू पब्लिक गवर्नेंस। ठीक है, रेगुलटाइजिंग प्रोसेस एंड द बाउंड्रीज ऑफ द न्यू पब्लिक गवर्नेंस, एडवर्ड एल रूबिन साहब की ये किताब बहुत ही लैंडमार्क मानी जाती है। न्यू पब्लिक गवर्नेंस मॉडल, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के 3 या 4 सालों के पेपर देखेंगे तो न्यू पब्लिक गवर्नेंस मॉडल पे क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इससे मिलती जुलती संकल्पनाओं पर फिर क्वेश्चन आ सकता है। तो नवलोक अभिशासन प्रतिमान ये है कि ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि हम अपनी मनुष्यों का मतलब मानवीय समस्याओं का एकमात्र निदान बाजार ही, इस चीज़ को ये भी इत्तेफाक इससे नहीं रखते हैं। तो न्यू पब्लिक गवर्नेंस, गवर्नेंस शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। गवर्नेंस का मतलब है कि लोकहित पूरा करने की एक साझी प्रक्रिया। 1990 के बाद हम शासन से अभिशासन में आए हैं। शासन 1990 से पहले एक बहुत ही मतलब यूजफुल वर्ड हुआ करता था, जो ये बताता था कि लोकहित पूरा करने का एकल प्रयास सरकार, शासन यानी कि सरकार, जो लोकहित पूरा करने का एकल प्रयास था जिसमें सब कुछ सरकार ही करती थी। न्यू पब्लिक गवर्नेंस मॉडल ये कहता है कि सरकार के साथ साथ राज्येतर संस्थाओं, नो डाउट कि बाजार को भी ये मान के चलते हैं कि बाजार इज ऑल्सो बी पार्ट। ये नहीं कहते कि न्यू पब्लिक गवर्नेंस वाले के बाजार को फेंक दो, नहीं नहीं, का बाजार बाजार की भूमिका निभाए, सरकार सरकार की भूमिका निभाए, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है हाशिए पे जीने वाले लोगों को शासन के लाभ पहुँचाने, इसके लिए गवर्नेंस का प्रोसेस यूज़ किया जाए। और गवर्नेंस के प्रोसेस में ये एम्फेसाइज करते हैं, बल देते हैं कि जो टारगेट ग्रुप्स हैं, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भागीदार बनाया गया। टू इंक्लूड द ऑल स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज द बेसिक डिमांड ऑफ दिस मॉडल। और मतलब बाजार बहुत अच्छा काम कर सकता है, ठीक, जैसे कि साल्को इंडिया की केस स्टडी आप दे सकते हैं। साल्को इंडिया सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रही एक प्राइवेट कंपनी जिसने कर्नाटका में करीब 1.5 करोड़ घरों तक जिस पोर्टेबल सोलर लैंप्स अवेलेबल कराए हैं, ठीक है, साल्को इंडिया।
तो देखिए इनका अनुभव हम यूज़ कर सकते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कि किस तरह एक मतलब छोटी सी कंपनी, मेरे को जहाँ तक इनके बारे में जानकारी है, साल्को इंडिया के जो फाउंडर हैं उन्होंने लोन लेकर के 3 या 4 लाख रुपए लोन उठा करके ये कंपनी बड़े स्ट्रगलफुल मैनर में स्टार्ट की थी, और बहुत ही ग्रांड सक्सेस इनकी कंपनी को मिली है कनेक्टिव जो गाँव गाँव तक सोलर लैम्प पहुँचाने में। तो हाउ दे हैव बीन सक्सीड इन देयर मिशन, तो वो उनका अनुभव नीति निर्माण में, ठीक है, गांवों तक, चूंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है और ये भविष्य में बहुत ही हमारे लिए जरूरी है, तो किस तरह उन्होंने, किस स्ट्रेटजी से उन्होंने गांव गांव तक ये पहुंचाया, उसको हम सीख सकते हैं साल्को इंडिया से, और उसे उनके अनुभव को इस क्षेत्र की नीति निर्माण में अपनाया जा सकता है। तो ये इसकी केस स्टडी है पब्लिक गवर्नेंस मॉडल की। ठीक, जैसे कि किसी, ये तो खैर नई चीज़ है, एक पुरानी चीज़ है कि जैसे कि हमारे शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो जो वर्गीज कुरियन साहब गुजरात में अमूल मूवमेंट को शुरू कर रहे थे, तो शास्त्री जी उस अमूल सहकारिता एक मूवमेंट जो था उसकी सफलता से बेहद बेहद मतलब प्रभावित थे, और शास्त्री जी ने खुद गुजरात का दौरा किया था, और वो कुछ किसानों के यहाँ रात को ठहरे भी थे कि किस तरह से किसानों को के जीवन में ये बदलाव ला रहा अमूल मूवमेंट। तो उन्होंने वर्गीज कुरियन साहब को बुलाया भी था दिल्ली, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्लान को फॉर्मुलेट करने में उनकी सजेशंस को और उनकी गाइडेंस को लिया था शास्त्री जी ने, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो वो चीज़ उनके अंदर थी भाई, एक साइज कह सकते हैं कि वो अपने समय से बहुत आगे थे। तो ये मॉडल भी यही कह रहा है कि जो पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं, चाहे सिविल सोसाइटी के हैं, उनको पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भागीदारिता दी जानी चाहिए। यह इसका मॉडल, एक आध मॉडल मैं और आपके साथ डिस्कस करूंगा, न्यू पब्लिक वैल्यू मॉडल, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वैल्यू मॉडल, ठीक है, और उसी से जुड़ता मिलता जुलता मॉडल है नॉर्डिक गवर्नेंस मॉडल। नॉर्डिक कंट्रियाँ जो स्कैंडिनेवियन कंट्रियाँ हैं, स्वीडन वगैरह, वहाँ पे ये मॉडल प्रचलित हुआ है, काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। तो इन दो मॉडल्स की मैं अगले वीडियो में आपके साथ बात करूँगा। टिल देन, गुड बाय।